बच्चों, आज हम प्रत्यय के बारे में जानेंगे। ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नवीन शब्द की रचना, नवीन अर्थ भरने की क्षमता रखते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अर्थात नवीन शब्द तो बने और नवीन अर्थ भी वह रखे, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे पठ जोड़ अक्त्वा, यहाँ पठ धातु है और अक्त्वा प्रत्यय है। पठ का अर्थ होता है पढ़ना, जबकि प्रत्यय जुड़ने के बाद इसका अर्थ क्या हो जाता है? ये पठित्वा बना और इसका अर्थ बना पढ़कर। संस्कृत में प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं। पहला कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय जो है वो कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं और इसके अंतर्गत तव्यत, अनियर, क्षत्रि और शानच प्रत्यय आते हैं। दूसरा हमारा तद्धित प्रत्यय है, इसके अंतर्गत मतुप, इन, ठक, त्व तथा तल प्रत्यय होते हैं। जबकि स्त्री प्रत्यय जो है इसके अंतर्गत ताप तथा इंगित प्रत्यय होता है। आज हम तद्धित प्रत्यय के बारे में जानेंगे कि तद्धित प्रत्यय ऐसे प्रत्ययों को कहा जाता है जो किसी संज्ञा शब्द के अंत में जुड़कर विशेषण शब्द बनाते हैं और विशेषण के अंत में जुड़कर संज्ञा या अव्यय शब्दों की रचना करते हैं। जैसे शक्ति जोड़ मतुप शक्तिमान, कातर जोड़त्व कातरत्वम, अध्यात्म जोड़ ठक आध्यात्मिक। आइए अब हम मतुप प्रत्यय के बारे में जानें। मतुप प्रत्यय, इस प्रत्यय का प्रयोग युक्तता, युक्तता मतलब जिससे जुड़ा हुआ हो, वाला या वाली के भाव को अभिव्यक्त करने हेतु किया जाता है। इसके बाद शब्द निर्माण करने पर मत शेष रहता है, मतलब मतुप का मत शेष रहता है और अन्य अंश विलुप्त हो जाते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो अकारांत या आकारांत होते हैं उन्हें छोड़कर अन्य स्वरांत शब्दों में मतुप प्रत्यय यथावत जुड़ता है। अर्थात अकारांत और आकारांत को छोड़कर अगर कोई और स्वर होता है तो क्या होता है, वह मतुप जो है बिल्कुल वैसे के वैसे ही जुड़ता है, जिसमें जुड़ने के बाद वह मत शेष रहता है। उदाहरण के लिए बुद्धि जोड़ मतुप बुद्धिमत, ये हमारा हमारा परिवर्तित रूप हुआ, लेकिन जब हम इसे पुल्लिंग में लाएंगे तो ये बनेगा बुद्धिमान, स्त्रीलिंग में बुद्धिमती और नपुंसक लिंग में बुद्धिमत। अब देखिए बुद्धि इसमें ई है, ये अ और आ से भिन्न स्वर है। दूसरा एक और उदाहरण, गो जोड़ मतुप गोमत, यहां भी ओ है इसलिए मतुप प्रत्यय जुड़ने के बाद गोमत बना। अब एक दूसरा नियम क्या है कि अकारांत या आकारांत संज्ञा या विशेषण शब्दों के पश्चात जब मतुप आता है तो क्या होता है, मतुप के स्थान पर वतुप हो जाता है तथा वतुप का वत जुड़ता है। यथा शोभा जोड़ मतुप शोभा वत। क्यों हुआ शोभा वत? क्योंकि नियम क्या कहता है कि अ या आ होगा तो मतुप का वतुप बनेगा और जब जुड़ेगा तो वह वतुप का वत शेष रहेगा। उदाहरण के लिए शोभा जोड़ मतुप का हमारा शोभावत बना। अब इसका लेकिन जब पुल्लिंग रूप चलाएंगे तो क्या होगा, शोभावान, स्त्रीलिंग में शोभावती और नपुंसक लिंग में शोभावत। एक और उदाहरण लेते हैं, श्रद्धा जोड़ मतुप। अब ये मतुप जो है वो किस में बदल जाएगा, वतुप में, क्योंकि यहाँ आ स्वर है और आ होने के कारण मतुप का
वतुप हो जाता है और वतुप का वत शेष रहता है, तो यहाँ क्या बना, श्रद्धा वत। और इसका जब रूप बनेगा पुल्लिंग में तो श्रद्धावान, स्त्रीलिंग में श्रद्धावती तथा नपुंसकलिंग में श्रद्धावत होगा। इस प्रकार हम मतुप प्रत्यय में क्या जाने कि यदि अ या आ हो तो मतुप का वतुप होगा और वत शेष रहेगा, लेकिन अ या आ से कोई भिन्न स्वर रहेगा तो वहां पर मतुप जो है बिल्कुल वैसे के वैसे जुड़कर मत के रूप में जुड़ेगा। और इस प्रकार से पुल्लिंग में मान, स्त्रीलिंग में मति और नपुंसक लिंग में मत मिलकर शब्द बनेगा। तो ये हमारा आज जो मतुप प्रत्यय है ये पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए प्रत्यय से।